अस्सलाम वालेकुम जेवन परदेसी आपकी खिदमत में खुदा और मोहब्बत का रिव्यू लेके। एक्चुअली रिव्यू लेके नहीं मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या कहूँ। मैंने भी ड्रामा देखा और ड्रामा आगे कम और पीछे ज्यादा चल रहा था। एक बात मैं कहना चाहूंगी बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, इस बाबे को फड़ के ना जेल करा दूं, इसलिए क्योंकि जो बाबा है ना इसने बच्चों को सारों का हमारे खराब कर देना। आई मीन तुम मजार पे बैठे हुए हो, मुझे नहीं पता वो किसका मजार दिखा रहे, लेकिन जिस भी मजार पे बैठा हुआ है वो उस लड़के को टोटल तबाह कर रहा है। वो जिस इंसान का मजार होगा उसने अपने लिए अल्लाह से पता नहीं कितनी इबादत की होगी, जो लोगों ने उसकी अकीदत में उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे के उसकी वहां पर मजार बनाया, और उस बेचारे की रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उसके मजार पे बैठे हुए लोग जो है वो अल्लाह को याद करने के बजाय लड़कियों को याद करें। So, this is, अच्छा ओके फाइन, चलिए स्लॉट्स में करते हैं। ड्रामा जो है, एक्टर्स जो है दे आर ब्यूटीफुल। माही का भाई अपना किरदार बहुत अच्छा, इकराज इसने कमाल कर दिया, ब्यूटीफुल। ऐसे उसने आंखों में आंसू रखे होते हैं, एक मिनट में नीचे चल जाते हैं, ऐसे ऑड्री हैपन किया करती थी, ब्यूटीफुल। फरहाद ने अपना कमाल से कर दिया, फरहाद ब्यूटीफुल एक्टिंग, मतलब जो एक्टिंग जो जो रोल उसको दिया गया है जो करने के लिए बहुत अच्छा उसने किया। जुनैद खान ने बहुत अच्छा रोल किया, उसकी माँ बहुत अच्छा रोल कर रही है, माही के माँ बाप बहुत अच्छा रोल कर, एवरीथिंग, हर बंदा, उसका भाई वो जरा बदमाश टाइप बना हुआ है, वो भाभी जरा सबड्यूड सी बट ट्राइंग टू हेल्प आउट, हर बंदा अपने रोल्स में परफेक्शन पे काम कर रहा है। तो सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। द ओनली थिंग लैकिंग इन ड्रामा इज स्टोरी। कुछ पता नहीं है कि क्या इस ड्रामे का क्या है। मुझे इस ड्रामे में, मैंने बहुत कुछ होता है ना कि आपका बच्चा खराब या बुरा होता है या वो होता है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको ठीक करें, ठीक करें। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़े रिव्यूज दिए, आप देख लीजिए पीछे जाके। आई रियली ट्राइड कि ये ड्रामा किसी तरह से कोई इसमें मुझे अच्छी बात मिल जाए। अच्छी बात सिर्फ ये कि एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी इस ड्रामे के कोई सर पैर कुछ पता नहीं है। जो खुदा और मोहब्बत के एक्चुअल जो बुक है और जो दो एपिसोड्स जो सीजन्स पहले बन चुके हैं उनका, इस ड्रामे ने उजाड़ के रख दिया उसको। बहुत अच्छा था, ड्रेसेस वगैरह बहुत खूबसूरत है, शादी बड़ी ग्रैंड हुई थी जो तैमूर के साथ उसकी हुई थी, आई रियली लाइक दैट, मैंने उस पर कहा भी था। बट थिंग इज कि ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है। अब आप ये देखिए, एक लड़का एक शादी पर, जस्ट क्लोज इट आउट क्योंकि आप आखिर में, एक लड़का जो है वो एक शादी पे जाता है काम करने, लाइक यू नो योर हैंडी मैन काम कर रहा है। उस शादी में वो एक लड़की को लिटरली जो कहते हैं ना हैरस करता है। वो लड़की एक नॉर्मल तरीके से उससे बात करती है, वो उसको हैरस करने लग जाता है, वो लड़की चली जाती है, ये उसके पीछे पीछे वहां उसके घर पहुंच जाता है और अपनी तरह से फरहाद बन जाता है, और नाम ही खैर फरहाद है उसका, और वहां पे उस लड़की को हैरेस करता है। अब वो लड़की बेचारी शरीफ खानदान की एक शरीफ लड़की है जो कि इसके चक्कर में नहीं फंसती। तो व्हाट ही डज इज कि अपनी माँ को बताए बगैर, मतलब मैंने पहले सोचा था शायद जिसकी घड़ी मिली और इसकी बिलोंगिंग्स मिली है शायद ये कहीं वजू शुजू कर रहे हैं या कहीं सोते वक्त किसी ने इसे चुरा लिए जो इसको हो गया, नहीं, इसने जानबूझ के अपनी बिलोंगिंग्स किसी को दे दी थी और खुद जो है वो छुप के मजार पे बैठ गया। मीन्स अपने माँ बाप को धोखा दिया, ठीक है, ही डजंट केयर अबाउट हिज पेरेंट्स, ही डजंट केयर अबाउट हिज सिस्टर और या कुछ भी, बहन भाइयों की परवाह नहीं है इसको, जाके वहां पे बैठ गया। और वहां पे अल्लाह के लिए कोई नहीं बैठा हुआ, उसको अल्लाह से कोई परवाह, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की कोई परवाह नहीं है, वो बैठा हुआ बिगड़ा है जिस तरह एक बच्चा एक रुस के नहीं बैठ जाता, उठ के बैठ गया जी मुझे माही दे दो। उसकी शादी फिर जी वो उस बेचारी का सदर हो गया कि उसकी उसके मिये को गोली लगी और वो मर गया। तो कि जी तो मुझे माही को साइकोलॉजिकली इस आदमी ने, दिस इज कॉल्ड नार्सिसिज्म, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एवरी काइंड। मुझे अपनी सारी स्टडीज जो है ना वो इस ड्रामे में इस बंदे के ऊपर याद आ रही कि ये बंदा जो है इज सो मैनिपुलेटिव, और इस तरह से उसने लड़की के दिमाग को मैनिपुलेट किया है कि वो ये सोच रही है कि मेरा कसूर है। और उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, किसी का क्या, आपने किसी से हंस के बात कर ली तो ये आपका कसूर हो गया, अगले बंदे ने आपको वन साइडेड जो है आपसे प्यार भी कर लिया, आपसे शादी भी कर ली, आपके लिए फरहाद भी बन गया, आपके लिए उसने घर बार भी छोड़ दिया, वॉट
ना, तो ये माही को उसने मेंटली बेचारी को टॉर्चर किया हुआ है, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जहर है जो दिखा रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस बट आई हैव टू से दिस बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी सेड, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस ड्रामे को बैन कर दिया जाना चाहिए, इन दोनों को मार दे, बेटा ये मर जाए दोनों, चलो जान छुट जाए, चलो अच्छा हो जाएगा, ऊपर जाके निकाह कर ले। लेकिन इस दुनिया में लड़कियों को, ये लड़कियों को आप क्या सबक दे रहे हैं कि अगर आप किसी शादी पे जाके किसी से हंस के बात कर लेंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा और उसकी बद्दुआ आपको लग जाएगी क्योंकि उसको उससे आपको इश्क हो गया, व्हाट इज इश्क, और वो बद्दुआ लग जाएगी और वो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस व्हाट दे आर सेइंग, आई मस्ट से इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस व्हाट दे आर शोइंग। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना बिकॉज नहीं, आई मीन मैंने बड़ी कोशिश की कि इस ड्रामे में मुझे कोई पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द एक्टर्स मुझे इस ड्रामे में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला। टिल देन, चमन परदेसी, मैं जी सरोगा।